नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 2 अगस्त 2022 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज का दिन सामान्यता जाएगा। आज के दिन छोटा सा एक काम करना है, अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील रहना है। चीज़ों को, गतिविधियों को सोच के समझ के आगे परख के आगे बढ़ने की कोशिश करिए। किसी भी मैटर में, चाहे वो फाइनेंशियल हो या लीगल हो, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। सोच के समझ के आगे बढ़ें ताकि आप अपने सभी चीज़ों में पॉजिटिविटी ला सकें। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव भी आज कुछ ना कुछ एक माइलस्टोन को टच करता हुआ नजर आएगा। पॉजिटिविटी आपके परिवार में ऑल टुगेदर आने वाली है, इसलिए आप आगे की प्लानिंग परिवार के हितों को ध्यान में रखकर चल सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन इंटोटैलिटी में आपके लिए पॉजिटिविटी ला सकता है। आज के दिन को ऑर्गेनाइज करना, आज के दिन को शेड्यूलिंग करना और आज के दिन को किस तरह से आप आगे लेकर चलते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। जल्दबाजी में आज के दिन आपको किसी लीगल डॉक्यूमेंट में साइन ना करना पड़े, इसलिए सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन या जब दिन की शुरुआत हो तभी से आप चलें। अगर आपको कोई प्रोसीजर करना है, यानी कि कार्यक्षेत्र में कोई आप एक डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई एक माइलस्टोन आप टच करने जा रहे हैं, तो अपनी परिस्थितियों को पॉजिटिव बनाने के लिए सोच के समझ के अपनी एक्सपर्टीज़ को ध्यान में रखकर किसी व्यक्ति विशेष की राय के बाद ही आगे बढ़ें। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। जो लोग कार्यक्षेत्र में नौकरी चेंज करने के इच्छुक थे, उनके लिए परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हुई जा रही हैं। कोई संपूर्ण एक इन्फॉर्मेशन इनके पास आ सकती है और उसके हिसाब से अगर वो एक्ट करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिविटी कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग सरकारी एग्जामिनेशन देने के इच्छुक हैं या दे रहे हैं, तो उसमें भी आपके सफलता के पूरे पूरे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के आज का दिन आप अपने ऊपर भी स्पेंड कर सकते हैं। आज के दिन बिताया हुआ अपने ऊपर आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा, नेगेटिव सिनेरियो से आप अपने आप को दूर रख पाएंगे। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य आपका सही रहेगा कर्क राशि वालों, परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, मन आपका शांत रहेगा, विचारधाराएं प्रबल रहेंगी। साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य के थ्रू आपको बहुमूल्य कोई राय मिल सकती है जो आपके कार्यक्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है। छोटी सी राय आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर सकती है और उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपको आपके कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगा। नौकरी चेंज करने के जो लोग इच्छुक हैं, उसमें आपको थोड़ा सा अब आज के दिन अपने आप को पुश करना पड़ेगा, लेकिन सफलता आपके हाथ में है। स्ट्रैटेजिकली आज के दिन मूव करने की ज़रूरत है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। प्रॉपर्टी संबंधित निवेश करने की सोच रहे हैं तो सोच के समझ के करें। हाँ, अगर लेकिन प्रॉपर्टी सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतरीन डील आपको मिल सकती है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ आपको कोई एक डिस्कशन करना चाहिए और उस डिस्कशन के बेसिस पे आपको निकलेगा कि जो प्राइस आप कोट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी से आज के दिन कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस आपकी ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है, जो कार्यक्षेत्र के संदर्भ में भी मानी जा सकती है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करके आगे बढ़ने का है। आज के दिन अपने आप को और ज़्यादा आत्मनिर्भर या पराक्रम में वृद्धि लाने का है। आज के दिन थोड़ा सा आपको व्यवस्थित होना है, थोड़ा सा पंक्चुअल होना है, सारी चीज़ों को एक साथ आपको एक्यूमुलेट करते हुए चलना है। कार्यक्षेत्र में आज के दिन आपको आपके ऊपरी अधिकारियों से भी प्रोत्साहन मिल सकता है। कोई आपके जो कार्यक्षेत्र में कद है उसमें भी आज के दिन, या सामाजिक साख है, प्रतिष्ठा है, उसमें भी आज के दिन वृद्धि होते हुए आप देख सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन टैक्टफुली बिताने का है। हल्की सी लापरवाही आपके कार्यक्षेत्र में आपके लिए कोई एक बड़ा सा एरर करके जा सकती है। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनाने का है। आज का दिन सारी चीज़ों को एक साथ व्यवस्थित ढंग से, सुचारू ढंग से उनका आकलन करके तब किसी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाने का या कार्यक्षेत्र में पॉजिटिविटी लाने का है। लंबे समय से चल रहा पारिवारिक तनाव भी आज के दिन साझा होता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के चाहे परिवार की तरफ की बात करूं या कार्यक्षेत्र में बात करूं, आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटेड है। नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से जा रही है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और मजबूत करिए, आगे बढ़ते चलिए, आपको सब तरफ से अपनी चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने को मिल जाएगी। कभी कभार आपको ऐसा भी लग सकता है कि परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ आपको लग सकता है, वास्तविकता ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो। बात करते हैं वृश्चिक राशि
वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन जहां तक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से संदर्भ रखता हुआ जाता है, जो आपकी आपकी आर्थिक स्थिरता को मजबूत कर सकता है, उसकी तरफ आपको आज के दिन बढ़ने की पूर्ण ज़रूरत है। नौकरी चेंज करने की परिस्थितियां आपके लिए बन चुकी हैं। अगर आपने हाल फिलहाल में नौकरी चेंज करी है तो कार्यक्षेत्र में आपके लिए कोई चैलेंजिंग काम आने वाला है, जो आपको प्रूव करके चला जाएगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एडेड एसेट हैं। साथ ही साथ आज के दिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना है, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति खान पान में नियंत्रण को रखते ही आगे बढ़ना है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए अपने आप को और व्यवस्थित करने का है। जितना आप काम कर रहे हैं, आप काम को बहुत अच्छे तरीके से शेड्यूलिंग करके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आज के दिन आपको कुछ और अपने लिए काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपके लाइफस्टाइल में भी आप इम्प्रूवमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं, कार्यक्षेत्र में एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं, कोई नया विचारधारा पनप सकता है, कोई एग्जीक्यूशन के दायरे में काम आ सकता है। मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज पे भी आप आज के दिन सोच सकते हैं, कार्यक्षेत्र में विस्तार की पूरी पूरी परिस्थिति बन चुकी है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मैटर्स से संबंधित अगर आप कोई डील करना चाहते हैं या आपका व्यवसाय ही रियल एस्टेट से संबंध रखता है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सही समय सही टाइमिंग का वेट करिए, आगे बढ़िए, जिससे कि आपको पॉजिटिविटी दिख सके। साथ ही साथ अगर आपने कहीं से ऋण लिया था, अब उसका रिपेमेंट करने की परिस्थितियाँ आपके लिए तैयार होती हुई नजर आ रही हैं, तो आर्थिक स्थिरता अपने आप बनती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आज के दिन परिवार में किसी एक वृद्धतम सदस्य के साथ आपका आज के दिन मनमुटाव या बहस हो सकता है, तो अपने शब्दों पर आपको आज के दिन नियंत्रण रखने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सोच के समझ के परिवार में आज के दिन बिताने की जरूरत है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए टायरिंग और टैक्सिंग हो सकता है। खासतौर पे फर्स्ट हाफ के दौरान आपको थोड़ी सी चिंता ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को एक साथ सम्मिलित करते हुए चलेंगे तो परिवार की तरफ से आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर भी आप कंट्रोल पा पाएंगे। पूर्णता या पूर्ण स्थिति आपकी बनती हुई नजर आएगी सेकेंड हाफ के बाद, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हों, तो आपको अपने लिए कोई ऐसी विचारधारा आज के दिन बनानी पड़ेगी जहाँ पर एक बैलेंस हो, यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस पे अब हाई टाइम आ गया, अब आपको सोचने की जरूरत है। साथ ही साथ आज के दिन आपके लिए यात्रा भी शेड्यूल्ड है, वो यात्रा अगर कार्यक्षेत्र से संबंधित है तो आपके लिए परिस्थितियां और पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए नॉर्मलाइज तरीके से बिताने की कोशिश करें। कुछ खास उतार चढ़ाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा, मन आपका शांत रहेगा। ऑल्दो आप अपने लिए कुछ ना कुछ आध्यात्मिक रूप से इवॉल्व हो पाएंगे, कुछ ना कुछ नया अध्यात्म से संबंधित लिटरेचर पढ़ सकते हैं, कुछ पूजा पाठ या कि कोई चैंटिंग या स्पिरिचुअल मेडिटेशन प्रोसेस में भी आज के दिन आपका रुझान या इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करने का है। जिस तरह से चल रहे हैं, चलते रहिए, आपको अपनी चीज़ों में शुभ संकेत देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।